हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ऐसा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज आपको सबको बताऊंगा एक हिडन प्लेस के बारे में, जो पीछे देख रहे हो उसके बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, पूरा इतिहास बताऊंगा, कहाँ से आप लोग यहाँ आ सकते हो, कहाँ से नहीं, तो वो सब पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। गाइज, हम जाते हैं अंदर। ये आप देख रहे हो, ये पुरानी हवेली है जो हिडन प्लेस है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। गुजरात के गांव में स्थित ये हवेली है, और किसकी है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलो मेरे साथ और बने रहिए इस वीडियो में पूरा इतिहास जानने के लिए। चलो अंदर। तो देख रहे हो आप सब, ये पुरानी है, खंडेर जैसा है ये सब। अब देख रहे हो पीछे, यहाँ को आता जाता नहीं है, और ये वाली किसकी है वो सब आपको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और आप सबको दिखाएंगे अंदर भी, और ये पूरा खंडहर जैसा हो गया है दोस्तों। तो चलो अंदर दिखाते हैं आप सबको। तो गाइस, दोस्तों को दिखा दो। तो गाइस, ये देखो आप, ये एकदम कितने साल, तकरीबन 100 साल आसपास की पुरानी होगी, पक्का मालूम नहीं है कितने साल पुरानी है। तो ये हवेली आपको बता दूं कि इसके ये भावनगर का राजा ऐसा जैसा कृष्ण कुमार थी, भावनगर के राजा श्री कृष्ण कुमार थे, जिसकी यह हवेली है। जो गाइस आपको बताना हो तो मैं एक बार बता दूं, ये भावनगर के राजा कृष्ण कुमार की जी है। इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो बनाई थी, जो नाथखेड़ा गाँव में ऐसी इससे भी बड़ी हवेली उसकी है। तो ये वीडियो हमने बनाई थी, और आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि पूरा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां जाके देख लेना, बहुत बढ़िया हवेली है। तो चलो इस हवेली के बारे में बताएंगे। तो चलो दूसरे रूम में जाते हैं, दिखाते हैं दोस्तों को। तो गाइस, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, और गिनती बहुत ज्यादा करते हैं लोगों को दिखा जाए गिनती। आप लोग यहाँ आए तो बस गिनती मत कीजिएगा, आइए एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, मजा आएगा आपको, ऐसा हिडन प्लेस है। तो दोस्तों, राजा कृष्ण कुमार सिंह जी का जन्म आपको मैंने पूरा इतिहास पूरा वीडियो में दिखाया था, इसलिए आप बोल दो 1912 में हुआ था, और 1964 में उसका देहांत हुआ था। तो गाइस, ये है कृष्ण कुमार सिंह जी की हवेली। और गाइस आपको बता दूंगा, तो बाहर का व्यू दिखाते हैं दोस्तों को। चलो चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं दोस्तों को। एकदम बारिश का मौसम है, तो एक हरियाली हरियाली सी हो गई है यहाँ पे। अब देख रहे हो, बारिश के सीजन में तो घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। तो अब देख रहे हो पीछे, दिखाओ दोस्तों को एकदम, ये पीछे खेतर जैसा है, डूंगराल जगह है। अब देख रहे हो पीछे का व्यू, आगे का व्यू, उस सबको ऊपर की साइड भी दिखाओ दोस्तों को। अभी इस हवेली के बारे में बता दूं तो दोस्तों, अभी कोई जान देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ना ही कोई चौकीदार है, ना ही कोई, ऐसे ही पड़ी हुए लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ से कोई जान देने वाला नहीं है। तो ये हमारा पुराना कल्चर है, अगर ध्यान देने वाला कोई होता और इस हवेली का मेंटेन करने में आएगी, मेंटेन होती है, तो बहुत अच्छी जगह रहती है, प्लेस घूमने के लिए अच्छा प्लेस रहता। चलो ठीक है, हम तो आपको दिखाने आए हैं प्लेस,
कि गुजरात में ऐसे ऐसे हिडन प्लेस भी है। तो गाइस आपको यहाँ आना हो तो गुजरात के अंदर भावनगर जिला है, और भावनगर जिले से जेसर तालुका है। तो भावनगर जिले से तकरीबन 150 किलोमीटर होता है। तो आप यहाँ आने के लिए चाहते हो तो भावनगर से 150 किलोमीटर जेसर तालुका में फिर ये कृष्ण कुमार जी की हवेली है, तो आप सबको दिखाएंगे। देखो सब ऊपर दोस्तों को दिखाओ, और पीछे का व्यू भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा पुराना कल्चर है, जो इसको मेंटेन करने में तो बहुत अच्छा हिडन घूमने के लिए अच्छा प्लेस बन सकता है, नहीं बनता वो। वैसे भावनगर कह रहा था कि वो सांसखेड़ा में जो इससे भी बढ़िया पुरानी हवेली है, वो भी इतने साल पुरानी है, तो वो भी इससे भी 10 गुना बड़ी है, तो वो भी अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी वीडियो लेकर। हमारे चैनल में सबसे बढ़िया व्लॉग उस वीडियो वायरल हुआ था, तो अभी दूसरा भी वायरल करवा दो दोस्त। तो आप लोगों को सबको शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि ऐसा गुजरात में भी हिडन प्लेस है। सही है, देखो तो यहाँ पे ये किचन जैसा है, किचन ही लगता है, अपन गंदगी देखो यार, यहाँ लोग आते हैं और गंदगी बहुत करते हैं। तो प्लीज गाइस यहाँ आइए घूमिए, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटेन करने वाला तो कोई नहीं है, तो हमें ही ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ साफ सफाई रखे, अच्छा रखे, क्योंकि हमारा कल्चर है पुराना, तो हमें ही साफ सफाई का ध्यान रखना होगा गाइस। तो चलो हम ऊपर का भी नजरिया आपको दिखाएंगे, ऊपर भी बढ़िया व्यू आता है मस्त जैसा। तो चलो हम ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं, चलो गाइस। से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर होता है, पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए अपनी बाइक अथवा कोई भी पर्सनल वाहन लेकर आ सकते हो। तो यह है बालकनी, देखो दोस्तों बालकनी से भी नजरिया दिखाएंगे आपको। हाँ एक्सीलेंट व्यू दोस्तों, गजब का है ना व्यू। अब देखो यह है ऊपर का व्यू, आपको पूरा घूम के दिखाऊंगा, एक अच्छा व्यू है। देखो एक रूम है और यह दूसरा रूम है, देख रहे हो ऊपर एक लकड़ी का पुराना बन काम है ये। दूसरा thank you.
भाई ये सब देख रहे हो पीछे का, वो एकदम मौसम की बारिश में तो हरियाली हरियाली बढ़िया। आप मेरे पीछे देख रहे हो एकदम एकदम सुंदर दृश्य है। तो चलो दूसरी बालकनी, एक बालकनी है दूसरी, और तीसरी बालकनी में आपको लेकर जाता हूँ। एकदम एकदम बढ़िया है, चलो जाते हैं वहां पे। और गाइस बता दूं कि आज हमारे साथ है हितेश भाई। और इधर बाबा कैसा है, कैसा लगा ये प्लेस, हिडन प्लेस? अच्छा है यार, तो दोस्तों बाबा ऐसा हमारे हमारे गुजरात में ऐसा हिडन प्लेस है तो लोग यहाँ आइए। तो गाइस यहाँ आने के वक्त ध्यान रखना कि आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ गड्ढा भी है। आगे हम तीसरी बालकनी में व्यू देखो दोस्तों, एकदम अलग से मजा आ गया दोस्तों। ये देखो पुराना है तो टूट गया है, और ये देखो पुराना का पुराना बांधकाम है, और ये लोखंड के ऊपर ये अभी के टाइम से अलग था, ये 150-160 साल पुराना है होगा, लगभग इतना तो होगा ही थे। तो ये 100-150 साल पुराना है ये, तो अभी तो मेंटेन करने वाला नहीं है, मेंटेन होती है तो बहुत असल में अच्छा कैसे सेंटिंग काम रहता है होता है प्लेस होता कम। तो था। आप देख रहे हो पीछे का भी, वाह गजब था दोस्तों, मजा आ गया। आप लोग आएंगे तो आपको भी मजा आएगा, एक बार आइए देखो। देखो उस समय में ये कैसे स्लैब स्लैब बिल्ट थे। देखो पीछे का भी दोस्तों, ये हवेली है, ये तीसरी बालकनी है, और आप सबको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे जितना बन सके उतना। तो गाइस वीडियो को इतना शेयर करिए कि लोगों को ये कल्चर हमारा गुजरात का कल्चर लोगों तक पहुंचे। ऐसे ऐसे हिडन प्लेस आपके लिए लाता रहूँगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना वीडियो को, कि जो उस वीडियो को मेरा वायरल किया था सांसखेड़ा का, जो कृष्ण कुमार की दूसरी हवेली है, तो इस वीडियो के भी दोस्तों वायरल कर दो प्लीज। चलो गाइस, तो गाइस आप देख रहे हो ये हमारा, ये तो टूटा फूटा है, आप लोग आइए तो ध्यान रखना जरा। हम तो आपको आपके लिए ये वीडियो बना के माहिती देने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि पुराना का लोखंड बिछाते थे, लोखंड की एंगल होगी का, एंगल बिछा कर रखते थे पुराना। ये देखो वो एंगल के बीच में ये पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर लादी के स्टाइल के जैसे पत्थर है, ये पत्थर बिछा के रखे है ऊपर, पूरा स्लैब नहीं है, और लोखंड बिछा करो स्लैब भरता वो स्लैब नहीं है। ये ब्लॉग ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भूलना मत, और ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो ये वीडियो ये व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।